खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक एपिसोड साया की, जो कि बहुत हॉरर है। तो अब हम ये देखेंगे और इसका रिव्यू देंगे आपके साथ, और देखेंगे ये असल में है या ये बनाई गई है, स्क्रिप्टेड है, ये सब कुछ देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं खुर्रम कुरैशी और मेरे साथ हैं आज शाहिद। आज हम मौजूद हैं पिंड दाद बलोच में, जो कि दरिया रावी से कुछ ही फासले पर है, बल्कि यहां से दरिया रावी तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इस घर के मालिक ने जो हमें आबीती सुनाई, जो उनके साथ मामला चल रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ। उनका ये डेरा था और एक छोटी सी उन्होंने फैक्ट्री अंदर बीच में बनाई हुई थी अपना काम वगैरह के हवाले से। तो उन्होंने अपने रिहाइश का इंतज़ाम भी इधर ही सोचा कि रिहाइश का इंतज़ाम भी इधर ही किया जाए। तो इसी घर के अंदर एक दरख्त मौजूद है आखिरी हिस्सा में। उनके जो बुज़ुर्ग थे वो उस जगह पर एक रात चारपाई पर सोए हुए थे, तो रात के वक्त किसी चीज़ ने उनको चारपाई समेत उठाकर फेंका है और कहा है कि आज तो बाद ऐथे ना सोना। तो कुछ अरसा गुज़र इस वाक़े के कुछ अरसा गुज़रने के बाद उनके बच्चे, तीन बच्चे जो हैं, वो खेलते खेलते उस दरख्त के पास गए, तो तीनों बच्चे एक साथ बीमार हुए और तीनों बच्चों को एक ही मसला आया कि तीनों बच्चों के हाथ पाँव मुड़ गए। देखें कि क्या मामला, इसका तोड़ कैसे किया जा सकता है। तो वो शख्स आया और उसने आके जो भी पढ़ाई वगैरह की, तोड़ करने की कोशिश की, तो उसको ये पता चला कि यहाँ पर जिन्नात का पूरा घराना आबाद है। उसने जब अपनी पढ़ाई करके इस घर को खाली कराने की कोशिश की, तो उसके साथ भी वही मामला पेश आया जो बच्चों के साथ आया। वो भी अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा और उसके भी हाथ पांव मुड़ गए। लेकिन इसका जो एक भयानक पहलू नज़र सामने आया, वो ये कि उसकी पढ़ाई के बाद घर वालों को जिन्नात ने यहाँ रहने नहीं दिया और उस वक़्त से ये घर वीरान है। तो बाकी हम शायद अंदर जाके देखते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी फिर मामलात होंगे खुल के सामने आएंगे। आ जाए खुरम। वगैरह देखें वो अपनी किस तरीके से, तो बिल्कुल ही ये देखें ये दरवाज़ा शाहिद, अल्लाह अकबर, ये देख दरवाज़ा, ये देख ये दरवाज़ा, ये देखें आप। और वो साथ में कबर्ड इस साइड पे, मुझे शक है कि अभी हवा चल रही है जी, यह हवा की वजह से ही हो रहा है। अल्लाहु अकबर यार खुरम, अल्लाहु अकबर यार खुरम, ये यार खुरम, ये तो हम मान सकते हैं कि ये हवा का काम है, लेकिन यार ये मानने वाली बात नहीं है। हवा का असर सिर्फ बीच वाली कबर पे तो नहीं ना हो सकता। हाँ। शाहिद अल्लाहु अकबर यार खुरम, अल्लाहु अकबर शाहिद
अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। ये देखो अब अल्लाह अकबर। यार खुरम ये तो अभी हम इधर ये देखो अकबर। ये किस किस्म की आवाज थी और जोर से गिरा ये शायद। यार खुरम मेरे ख्याल से जो उन्होंने बताया कि वो जो मामला दरख्त की वजह से हुए हैं। ये देखे खुरम इधर से आवाज आ रही है, खुली है, मैंने खुद देखा वो खिड़की हिली थी। ये मेरे कोट भी हुआ होगा, वो खिड़की खुद हिली थी। यार समझ से बाहर है, अल्लाह हू अकबर। यार शाहिद ये कुर्सी। यार समझ से बाहर है, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। शाहिद ये देखें इधर है, ये देखें बाहर। हाथ नहीं लगाना, आप ये देख रहे हैं बाल। यार खुरम ये तो ये जब ऐसे कोई बाल पड़े हों तो इन पर तो जादू बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होता है। सबसे ज़्यादा जादू ही बालों की वजह से होता है। अगर किसी पर, वो कहते हैं ना, जब कोई किसी से दुश्मनी हो उस पर जादू करवाना चाहे तो जिसके पास जाते हैं वो सबसे पहले यही कहता है कि आपने जिस पर जादू करवाना उसके बाल लेके आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर ही ये बालों की वजह से होता है। तो ये तो इधर बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं। और ये देखें खुरम, ये देखें ये सिंक भी ना, सिंक भी टूटा हुआ है। आवाज़ आई है खुरम इधर से, सुनिए। देखें खुरम ये देखें ये सिंक भी ना, सिंक भी टूटा हुआ है। आवाज़ आई है खुरम आपने। हाँ जी ये डाइनिंग टेबल भी इनका वैसे का वैसे ही पड़ा, वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये जस्ट उन्होंने मेरे ख्याल से नया ले अकबर। यार खुरम यार खुरम ये किधर से आया यार। और ये जस्ट उन्होंने मेरे ख्याल से नया ले अकबर। यार खुरम और ये जस्ट उन्होंने मेरे ख्याल से नया ले अकबर। यार खुरम यार खुरम ये किधर से आया यार। शुक्र है शायद ये सेकंड टाइम हुआ है कि मैं बच गया हूँ। हाँ ये फिर मेरे ऊपर आके लगने लगा था जिस तरीके से उधर बांस तुम्हारे ऊपर आके लगा। ये है क्या चीज, ये कोई डिब्बा वगैरह है सामान रखने के लिए। दोबारा चलें कमरे में, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है क्या इसी वजह से तो नहीं है। दोबारा चलें कमरे में, ओए अल्लाह यार खुरम। यार ये इसकी आवाज़ आई थी यार, ये पलटी है, यहाँ पड़ी हुई थी यार। ये तो बड़ी वजनी है और ये तो बकायदा जैसे उन्होंने गुस्से का इजहार किया है, इधर से इधर गई है।
अभी हमने घर का आधा हिस्सा एक्सप्लोर किया है। आधा भी नहीं है यार, ये तो अभी एक पहला हिस्सा है। हम अभी उस कमरे में, सिर्फ एक कमरा है, हम उसी में गए हैं अभी तो। बाकी का हिस्सा, ये दो तीन कमरे ये भी हैं, उससे पीछे वाला हिस्सा भी, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारा दरख्त लगा हुआ है, और ये उन्होंने बताया कि दरख्त की वजह से ये मामला थे, लेकिन अभी तो हम उधर गए भी नहीं हैं, तो इतने मामला तो हमारे साथ पेश आने शुरू हो गए हैं। रह गया, इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये क्या चीज़ है यार, अल्लाह अकबर। शायद ये आके गिरा मेरे आगे बिल्कुल। ये है क्या चीज़ ऐसे? यार ये बड़ी, ये तो मेरे बिल्कुल आगे से गुजर के गई है शायद। चलें, वो कोई कमरा वो बना हुआ है मेरे ख्याल से, इधर नहीं पड़ा हुआ था, और ये बिल्कुल मेरे आगे से, मैं फिर बच गया हूँ एक दफा। यार खुरम, ये तो समय से बाहर होता जा रहा है। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने ज्यादा साइन और इतनी ज्यादा एक्टिविटी। गाइस, हमने पहली वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे रिएक्शन की, हमें तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी मजा आया होगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमें कमेंट करें अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।